स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम HPLC के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सेपरेशन टेक्निक है। तो पहले हम HPLC का लॉन्ग फॉर्म देखेंगे। तो इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ये दोनों ही लॉन्ग फॉर्म HPLC के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसे हाई परफॉर्मेंस और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो हाई होता है, और हाई रिजोल्यूशन पावर की वजह से इसमें जो सेपरेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है, और इसीलिए इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा गया है। उसी के साथ HPLC में हाई प्रेशर यूज होता है, और हाई प्रेशर यूज होने की वजह से इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा गया है। HPLC में 5000 PSI तक प्रेशर यूज किया जाता है। तो अब हम HPLC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स पहले देखेंगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग देखेंगे विद डायग्राम। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड होने वाली एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है। आप सबको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है HPLC, मतलब जो BSc के स्टूडेंट है या फिर जो MSc के स्टूडेंट है उन्हें एनालिटिकल केमिस्ट्री में HPLC के ऊपर सिलेबस होता ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, HPLC इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब आप HPLC के नाम से ही ये समझ सकते हैं कि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है। यूज टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब HPLC क्या करती है, हमारे पास जो मिक्सचर प्रेजेंट है कंपोनेंट्स का, उन्हें सेपरेट करती है, क्वांटिफाई करती है और उसी के साथ आइडेंटिफाई भी कर देती है। अब देखिए, हमारे पास ये मिक्सचर प्रेजेंट है, उसमें 2-3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो HPLC का यूज करके हम उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अच्छी तरह से अलग कर सकते हैं, मतलब सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसी के साथ वो कंपोनेंट्स कितने अमाउंट में वहां प्रेजेंट है, मतलब वो अमाउंट भी हम HPLC का यूज करके बता सकते हैं, और इसे ही क्वांटिफाई कहा गया है। क्वांटिफाई का मतलब है यहां ये कंपोनेंट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये भी आप बता सकते हैं। उसी के साथ यहां कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ये भी हम HPLC का यूज करके बता सकते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कहते हैं। मतलब यहाँ HPLC का यूज करके आप इन कंपोनेंट्स के नाम भी पता कर सकते हैं। इस तरह HPLC का यूज करके हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट, क्वांटिफाई और आइडेंटिफाई करते हैं। इसी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज भी की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, HPLC इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ हाई प्रेशर टू पुश अ मोबाइल फेस सॉल्यूशन। अब हमने जैसे कि देखा था HPLC में हाई प्रेशर यूज होता है, और इसीलिए इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब ये हाई प्रेशर क्यों यूज होता है, तो ये यूज होता है मोबाइल फेस को पुश करने के लिए। हम जब मोबाइल फेस रन करते हैं कॉलमन से, हम सबको पता है HPLC में जो स्टेशनरी फेज है वो होता है हमारा कॉलम, मतलब वो स्टेशनरी फेज इस कॉलम के अंदर पैक्ड होती है जो है सिलिका जेल, मतलब ये जो कॉलम है उसमें सिलिका जेल प्रेजेंट होता है और इसी में हमारी स्टेशनरी फेज भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो मोबाइल फेज है, मतलब हम जो सोल्यूशन है मोबाइल फेज का, वो जो रन करेंगे वो इस कॉलम से रन करेंगे, और ये कॉलम की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और छोटी साइज होने की वजह से इसमें जो पार्टिकल भी फिल होते हैं उनकी भी साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, और स्मॉलर साइज के वजह से हम इजीली यहाँ से हमारे मोबाइल फेज का सॉल्यूशन पास नहीं कर सकते, और इसीलिए यह हमें हाई प्रेशर का यूज करके इस कॉलमन से हमारे मोबाइल फेज को रन करना होता है, और इसीलिए HPLC में हाई प्रेशर यूज किया जाता है। तो यह देखिए, मोबाइल फेज क्या होगी, लिक्विड होगी, क्योंकि यह लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, HPLC इज सेपरेट द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स विथ हाई रिजोल्यूशन। अब हाई रिजोल्यूशन का मतलब क्या है ये पहले समझिए। तो हमारे पास जो मिक्सचर प्रेजेंट है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उन कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से एक दूसरे से सेपरेट आउट करने का काम HPLC करती है, और उसे ही हाई रिजोल्यूशन कहा जाता है। ये मिक्सचर है, इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ऐसा हम कंसिडर करते हैं, तो इन दोनों कंपोनेंट्स को HPLC अच्छी तरह से एक दूसरे से सेपरेट आउट कर देती है, और इसी
सेपरेशन को यहाँ हाई रेजोल्यूशन पावर कहा गया है और इसीलिए HPLC को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ये हो गए इसके कुछ बेसिक पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम प्रिंसिपल देखेंगे HPLC का। इट इज अ सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन सॉलिड स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड मोबाइल फेज। ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होती है और वो होता है हमारा कॉलमन, और उसके साथ जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होती है। ऑब्वियसली मोबाइल फेज लिक्विड होगी क्योंकि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। आपको याद रखना है गैस क्रोमेटोग्राफी होगी तो वहाँ जो मोबाइल फेज होगी वो गैस ही होगी, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो मोबाइल फेज लिक्विड ही होगी। अब देखिए HPLC वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब ये एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, वो किस तरह ये समझिए। अब ये जो एडसॉर्प्शन है उसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड कंपोनेंट किसी भी सॉलिड सरफेस पर अक्यूमुलेट होता है वो वहाँ एब्सॉर्ब नहीं होता, एक्यूमुलेट होता है। जैसे कि पेंट, हम जब अपने घर में दीवारों को पेंट करते हैं तो वहाँ वो पेंट की एक लेयर बनती है दीवारों पर, वो पेंट दीवारों के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होता। वही अगर आप कोई भी स्पॉन्ज ले और उस स्पॉन्ज को वाटर में डिप करेंगे तो वो स्पॉन्ज क्या करता है, उस वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, और इसे ही हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। ये डिफरेंस है एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में। और जो एडसॉर्प्शन है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो पेंट है वो एक लेयर बनाता है दीवार पर, उसी तरह इसे क्या कहेंगे हम, एक्यूमुलेशन ऑफ पेंट ऑन सरफेस। क्या हो रहा है, सरफेस पे पेंट का अक्यूमुलेशन हो रहा है, वो पेंट वहाँ पेनिट्रेट नहीं हो रहा, एब्सॉर्ब नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम विंडर में देखें तो हमारे जो विंडोज के ग्लास होते हैं उन ग्लास पर वहाँ वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाते हैं जिनमें हम स्माइली या फिर इमोजी बनाते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन विंडोज, इसे ही एडसॉर्प्शन कहा जाता है। तो यहाँ HPLC में भी एडसॉर्प्शन का प्रिंसिपल यूज होता है, वो किस तरह वो हम आगे देखेंगे। अब हम HPLC के टाइप देखेंगे। टाइप्स ऑफ HPLC बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ क्रोमेटोग्राफी के बेस्ड पर हमने HPLC के दो टाइप्स लिए हैं। इसी तरह HPLC के बहुत सारे टाइप्स हैं जो अगर आप HPLC को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला है नॉर्मल फेज HPLC और सेकंड है रिवर्स फेज HPLC। अब हम नॉर्मल फेज HPLC और रिवर्स फेज HPLC क्या है और ये किस तरह यूज किया जाता है ये देखेंगे। तो पहले नॉर्मल फेज HPLC में क्या होता है ये देखेंगे। इन नॉर्मल फेज HPLC यूज्ड अ पोलर स्टेशनरी फेज एंड नॉन पोलर मोबाइल फेज। अब यहाँ जो नॉर्मल फेज HPLC है उसमें जो स्टेशनरी फेज है मतलब हमारा जो कॉलमन है वो कैसा होगा, पोलर होगा, और जो मोबाइल फेज है जिसे हम रन करते हैं HPLC के थ्रू वो नॉन पोलर होगी। अब पोलर का मतलब क्या है, वो वाटर लविंग होगे मतलब उनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और नॉन पोलर का मतलब है वो वाटर को रेजिस्ट करते हैं मतलब उनमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ आपको पोलर वर्ड के लिए हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर वर्ड के लिए हाइड्रोफोबिक ये वर्ड बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक में देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब है रेजिस्टेंट टू वाटर, ये आपको याद रखना है। अब रिवर्स फेज HPLC में क्या होता है ये देखिए। इन रिवर्स फेज HPLC यूज्ड अ नॉन पोलर स्टेशनरी फेज एंड पोलर मोबाइल फेज। अब ये HPLC जो है वो नॉर्मल HPLC के अपोजिट होती है, मतलब जैसे नॉर्मल HPLC में जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर है तो यहाँ रिवर्स फेज में जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर है, मतलब यहाँ जो कॉलमन प्रेजेंट है उसके अंदर जो मटेरियल है वो कैसा है, नॉन पोलर है, मतलब वो वाटर रेजिस्ट करता है, वाटर को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। पर यहाँ जो मोबाइल फेज है वो पोलर है मतलब मोबाइल फेज में वाटर प्रेजेंट है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड होने वाली HPLC की टेक्निक है, टाइप है। अब ऐसा क्यों, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए जो मोबाइल फेज है वो पोलर है मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है, और बहुत सारे हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और इसी वजह से
ये जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाती है। अभी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी या फिर रिवर्स फेज HPLC किस तरह वर्क करती है ये हम देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास यह कॉलमन प्रेजेंट है और जो मोबाइल फेज है वो हम इस कॉलमन से पास करने वाले हैं। तो रिवर्स फेज में क्या हो रहा है, देखिए जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, नॉन पोलर है, मतलब ऑब्वियसली ये जो कॉलमन है वो नॉन पोलर होगा, मतलब इसके अंदर जो मटेरियल फील्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर है। और जो मोबाइल फेज है जो हम इससे रन करने वाले हैं वो कैसी है, वो पोलार है। तो देखिए, हमारे पास जो मिक्सर होगा कंपोनेंट्स का, उस मिक्सर में एक तो पोलार कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे या फिर नॉन पोलार कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब जो पोलार कंपोनेंट्स है वो क्या करेंगे, उनकी जो अफिनिटी है वो इस कॉलमन की तरफ ज़्यादा होगी, मतलब ये कॉलमन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, कॉलमन में रिटेन होंगे। और जो पोलार कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, मोबाइल फेज में वहाँ वो डिसॉल्व होंगे, मतलब वो मोबाइल फेज में सॉल्युबल होंगे। और इसी तरह पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर HPLC में सेपरेशन होता है। किसके बेसिस पर होता है, पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी, ये आपको याद रखना है। HPLC में पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सेपरेशन होता है। तो देखिए, आपके पास जो मिक्सचर था उसमें दो टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक तो पोलार और दूसरे नॉन पोलार। अब जो पोलार कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज में डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलार कंपोनेंट है उनकी जो अफिनिटी है या फिर अट्रैक्शन है वो स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा होगा, तो वो स्टेशनरी फेज में मतलब कॉलमन में रिटेन होंगे। इस तरह जो पोलार कंपोनेंट्स है वो कॉलमन से पहले वॉश आउट होंगे, मतलब कॉलमन से पहले बाहर आएंगे, और उसके बाद नॉन पोलार कंपोनेंट्स बाहर आएंगी। इस तरह रिवर्स फेज HPLC वर्क करती है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, अगर आपने अच्छे से ये पढ़ा तो आपको ईजीली समझ आएगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो नॉन पोलार होंगे वो कॉलमन में रिटेन होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, और जो पोलार है वो मोबाइल फेज से वॉश आउट होकर बाहर आएंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉलमन में रिटेन हुए हैं उन्हें कैसे हम वॉश आउट करेंगे या फिर वो कैसे कॉलमन से बाहर आएंगे। तो यहाँ इसका आंसर है सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट होते हैं HPLC में, उसमें 90% ऑर्गेनिक और 10% वाटर यूज किया जाता है सॉल्वेंट में। ये किस लिए यूज होंगे, ये नॉन पोलार सॉल्वेंट होंगे, क्योंकि कितने परसेंट में यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, 90%, और वाटर कितना है, 10%। तो ये हो गया नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो ये नॉन पोलार सॉल्वेंट बाद में रन किया जाता है इस कॉलमन के थ्रू, जिसे हम मोबाइल फेज कहते हैं, और ये कॉलमन वॉश आउट कर देता है नॉन पोलार कंपोनेंट्स को भी, क्योंकि यह जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलार है, तो ये जो नॉन पोलार कंपोनेंट है उसमें डिजॉल्व होकर इससे बाहर आ जाएंगे। और जो पोलार होंगे उसमें जो पोलार सॉल्वेंट है वो कैसे होंगे, उसमें 90% वाटर प्रेजेंट होगा और 10% सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो इस तरह पोलार सॉल्वेंट बनते हैं और इस तरह नॉन पोलार सॉल्वेंट बनते हैं, और इन्हें अप्लाई करके, इन्हें रन करके हम HPLC में सेपरेशन करते हैं। तो ये हो गया रिवर्स फेज का कंसेप्ट, और आपको समझ आया होगा कि किस तरह रिवर्स फेज वर्क करती है। अब हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। जो HPLC के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो पहला है रिजर्वायर, सेकंड है पंप, थर्ड इंजेक्टर, फोर्थ कॉलमन। अब कॉलमन को हार्ट ऑफ HPLC कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी स्टेशनरी फेज पैक्ड होती है। 5 है डिटेक्टर और 6 है डाटा सिस्टम। अब ये हो गए HPLC के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। अब इन कंपोनेंट्स का फंक्शंस और HPLC का वर्किंग हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स है, कुछ कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट में हम HPLC का वर्किंग अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं।